तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैंने लास्ट में रिव्यू किया था प्लम का काजल। वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने प्लम के काजल के बारे में रिव्यू किया है, तो आप प्लीज उसको जाके वीडियो को देख लीजिए, मेरे पुराने ही वीडियो में वो मिल जाएगा। साथ में मैं इस वीडियो के एंड में उसका टाइटल भी दे दूंगी और साथ में मैं उसका स्क्रीन भी लगा दूंगी, तो आप वीडियो के एंड में उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या प्लम का रिव्यू आप आराम से उसको देख सकते हैं। वो ज्यादा लंबा नहीं है तो आप एकदम फटाक से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो पे आपको बताने जा रही हूँ प्लम के काजल का आईलाइनर लुक और साथ में काजल लुक, जो कि बहुत इजी है और बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा, और अच्छा लगता है तो शेयर करिए, कमेंट करिए मेरे वीडियोस पे, और आप मुझको बताइए कि अगर आई नेक्स्ट वीडियो पे आप किस टाइप का आईलाइनर लुक देखना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली इस काजल के साथ ही आईलाइनर का लुक क्रिएट करूंगी। हां गाइस, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ हेलो, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट भी करिए, और आपको सब्सक्रिप्शन का जो रेड वाला बटन है वो आप क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा रेगुलर अपडेट जो भी मेरा वीडियो आता है वो आपको फटाफट से मिल जाएगा, तो आप उसको बिना किसी हैडल के फट से वॉच कर सकते हैं। तो प्लम काजल और आईलाइनर लुक के लिए आपको चाहिए होगा ये ब्यूटीफुल सा काजल, और आपको चाहिए होगा एक ब्रश, अगर आपके पास आईलाइनर ब्रश है तो आप वो एक ले सकते हैं। तो गाइस, इस लुक के लिए आपको सिंपल सा काजल अप्लाई करना होगा और उसको एक ब्रश की हेल्प से फटाफट से ब्लेंड करना होगा, और ये ब्लेंड इसलिए करना होगा क्योंकि ये काजल काफी पिगमेंटेड है और साथ में ये बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होने देता, तो इसलिए आपको एक बोल्ड सा आई लुक क्रिएट करने के लिए आपको इसको काफी फटाफट से ब्लेंड करना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। दूसरी तरफ भी आप प्लेन काजल लगाइए और उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए, तो यहाँ ये आपको बोल्ड काजल का लुक देगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और उसे ब्लेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। दूसरा जो लुक है हमारे पास वो है आईलाइनर लुक, जो कि वापस से सिंपल ही है, जो कि हम डेली बेसिस में करते हैं, बट हम उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये एक बोल्ड सा आपको आई मेकअप का लुक देगा। कुछ इस तरीके से आपको करना होगा, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे लुक के लिए हम जो काजल है उसको इनर कॉर्नर की तरफ, अपने आई का जो इनर कॉर्नर होता है वहां एक वी शेप देंगे कुछ इस तरीके से, और अगर आपको नहीं बनता है तो अपने आईज क्लोज कर लीजिए और उसके बाद एक वी का शेप बना लीजिए इस तरीके से, तो ये परफेक्ट सा लुक आता है। यहाँ आपको आउटर वी की तरफ से लेकर इनर की तरफ आपको एक विंग क्रिएट करना होगा, और अगर आप बिगनर्स हो और ये थोड़ा सा थिक जाता है तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रश लीजिए और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कर लीजिए, तो ये आपका परफेक्ट विंग क्रिएट हो जाता है। और अगर आपके हाथ हिल गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप परफेक्ट आईलाइनर करने के लिए कौन कौन से ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आप पूरी तरफ काजल लगा लीजिए जहां आपने आईलाइनर और काजल अप्लाई किया है, तो ये थोड़ा सा थिक लुक आता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है काजल और अगर आपके पास कंसीलर है तो मैं कंसीलर का यूज भी करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत प्रॉपर नहीं होता है तो वो कंसीलर लगता है, तो उसके लिए भी एक ब्रश। तो उसके बाद आप अपना कंसीलर लीजिए और जो विंग आपने बनाया है उसके साइड में अगर आपको लग रहा थोड़ा सा थिक है और वो परफेक्ट नहीं बना है तो वहां आप लगाइए कंसीलर, और वही कंसीलर अगर एक्स्ट्रा है तो आप अपने जहाँ भी आपको डार्क सर्कल लग रहे हैं कि है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने ये अप्लाई किया है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसको इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है, तो ये परफेक्ट शेप आ जाता है आपके आईलाइनर का, और देखिए कितना प्यारा लग जाता है। तो ये रहा फाइनल लुक। तो यार गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, खूब सारा लाइक 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 करिए, आप सबका एक एक लाइक भी बहुत सारा लाइक हो जाता है। और जो भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो पे, उनको थैंक यू सो मच। एंड या गाइस, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।